तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एडसी ग्लू के बारे में। तो जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, मैक्सोबॉन्ड, फेविकिक, एरलडाइट, बोनटाइट, एमसील, तो इन सब का यूज कहाँ कहाँ पे होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो आप जैसे, आपको अगर पता नहीं है, आप दुकान से कोई चीज खरीद लेते हैं, आपको क्या चिपकाना है वो दुकानदार भी आपको नहीं बता पाता कि हाँ इसे क्या चीजें चिपकानी है। तो इसलिए आप जो है अपने सब खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मुझे मुझे क्या चीजें चाहिए, मुझे क्या चिपकानी है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पर हमारा सबसे फर्स्ट है, यहाँ पर देखिए ये मैक्सोबॉन्ड है। तो आप देख रहे हैं मैक्सोबॉन्ड एडसिव, तो इसमें क्या है इसके बारे में हम बताते हैं। तो देखिए ये जो है हमारा एडसिव ग्लू है, और ये जो है ये वेलफिक्स इंडस्ट्रीज का है। तो वेलफिक्स जो है काफी अच्छी इंडस्ट्रीज है। और तो होता क्या है इसमें, जैसे जो हमारा ये, इसको कुछ लोग सोल्यूशन सोल्यूशन भी बोलते हैं, तो ये सोल्यूशन ही है, लेकिन ये जो है ये अलग टाइप का, क्योंकि जो सोल्यूशन आता है तो रबर सोल्यूशन आता है, जो कि पंचर वगैरह में लगाने के लिए आता है, जो कि हमारे ट्यूब वगैरह पर लगाते हैं। तो ये जो है ये उससे थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि वो थोड़ा लिक्विड, वो लिक्विड फॉर्म जो है उसका अलग टाइप का, तो इसका अलग टाइप का। तो ये जो हमारा एडसिव होता है, इससे जो है हम जूते चिपका सकते हैं, जैसे जूते के सोल वगैरह जो साइड के हैं उनको चिपका सकते हैं, और इससे जो है हम स्पीकर के पर्दे लगा सकते हैं, स्पीकर का क्वाल वगैरह जो है इसमें जाम कर सकते हैं, और कोई भी जैसे कि किसी किसी इक्विपमेंट का कोई शीशा वगैरह है, शीशे वगैरह को चिपकाने के लिए ये काफी अच्छा काम करता है, क्योंकि ये थोड़ा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो जिस चीज में जैसे कि हम कोई चीज चिपका रहे हैं, हमको पता है कि इस चीज में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो उसमें जो है ये मैक्सोबॉन्ड का हम यूज करते हैं, जैसे स्पीकर के पर्दा हो गया, थोड़ा जूता हो गया, चप्पल हो गए। लेकिन हाँ, ये टाइम लेता है सूखने में, कम से कम ये 6 से 7 घंटे जो है ये टाइम लेगा सूखने में। और इसका यूज जो है, तो मैंने बता दिया आपको, इसका यूज फ्लेक्सिबल चीजों में किया जाता है, और वो भी वो हार्ड प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, मेटल नहीं होना चाहिए वो, यानी कि वो कुछ कपड़े वगैरह के फोम वगैरह में इसका जो है यूज अधिकतर किया जाता है। अब हम नंबर 2 पे आते हैं, तो जिसका नाम है फेविक्विक। ये कुछ इस तरीके का आता है, हर जगह पे मिल जाता है, 5 रुपए मिल जाता है, तो इसके नाम से बहुत सारी चीज आते हैं फेविक्विक के नाम से। तो इसका क्या यूज है, ये जो है ये हल्के प्लास्टिक को जोड़ने के लिए आता है, जैसे कि मान लीजिए आपको चश्मा हो गया, और छोटी मोटी चीजें, मोबाइल का ढक्कन वगैरह हो गया, और अदर चीजें, तो वो चिपकाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो ये बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होता है, पतला फॉर्म में होता है, तो इससे कोई भी बारीक छोटी चीजें जो चिपकाने के लिए ये काम करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे ईयरफोन का ढक्कन खुल गया, हमारे ईयरफोन का पिन टूट गया, या फिर रिमोट टूट गया, कोई भी चीजें, रिमोट, मोबाइल, अदर चीजें, तो इससे जो चिपकाने में वो अच्छी रहती हैं। अब आती है बात एरल डाइट, बोन टाइट की। तो जो एरल डाइट और बोन टाइट आते हैं, ये प्लास्टिक को चिपकाने के लिए आते हैं, और ये जो है इसका यूज मेटल में भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एरल डाइट और बोन टाइट दोनों एक ही काम करते हैं, इससे जो बड़े हैवी स्पीकर आते हैं उनके मैग्नेट को चिपकाया जाता है, इससे उनके क्वाइल को भी जाम किया जाता है, स्पाइडर वगैरह को जाम करने के लिए। और जो आपकी हार्ड प्लास्टिक वाली चीजें हैं जो मजबूत हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी की कोई भी पार्ट्स वगैरह टूट जाए आपके, मान लीजिए जैसे कि वो कांच ही टूटा हो, या फिर उसका कहीं पर प्लास्टिक वगैरह टूटा हुआ हो, गाड़ी के बोनट वगैरह आगे पीछे, तो इससे उसको जो है चिपका सकते हैं। और ये प्लास्टिक में जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, आप थोड़ा सा वहां पर रब कर दीजिए, रब करने के बाद वहां पर आप लगा दीजिए, और ये ज्यादा टाइम भी नहीं लेता, ये बहुत जल्दी सूख जाता है। तो फेविक्विक जो है सब फास्ट, फेविक्विक और एरल डाइट ये दोनों फास्ट काम करते हैं, बाकी मैक्सोबोंड और एमसील ये जो है थोड़ा सा स्लो काम करते हैं। तो एरल डाइट और बोन टाइट का यूज जो है प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक में यूज करने के लिए बना हुआ, जैसे कि कुर्सी वगैरह में आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। अब नंबर 4 पे आता है एमसील। एमसील ये ही एक ऐसा चीज है जो कि हम ठोस चीजों में यूज कर सकते हैं, जैसे कि वह किसी भी धातु का बना हो, लोहे का हो, सिल्वर हो, एल्युमिनियम हो, तो उसमें क्या है हम इसको लगा सकते हैं। और इसका यूज जो है हम जैसे कि हमारा प्लम्बरिंग में यूज करते हैं इसको, इसको लोहे की कोई सामान हो टूट गया उसमें यूज करते हैं, बाल्टी वगैरह में, जैसे कि कहीं पेदी वगैरह में होल हो जाने पर, या फिर उसमें कट जाने पर, कहीं पर लीकेज की समस्या को रोकने के लिए एमसील जो है बहुत ज्यादा कारगर होता है। तो एमसील जो है, अब एमसील और एरल डाइट, बोन टाइट, इन दोनों में, ये दोनों बहुत अलग किस्म के हैं, और मैक्सोबॉन्ड फेविक्विक अलग किस्म
किस्म के हैं। तो इसमें अलग क्या है ये बताते हैं। एरल डाइट और बोन टाइट में दो टाइप के ट्यूब आते हैं जिनको दोनों को मिलाने के बाद फिर हम उसको लगाते हैं। ऐसे ही एमसील में भी दो 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 जो है उसकी ग्लू आती है, तो दोनों को मिला करके उसको रब करके उसके बाद उस स्थान पर लगाते हैं जिससे कि हमारा हार्ड हो जाता है। तो एमसील का यूज जो है, एमसील जो है एक चीज ये भी है कि जैसे कि लोगों को जैसे लगता है कि अदर चीजें लगाते हैं तो पानी पाने पर वो जो है सीलन से छोड़ देता है, लेकिन एमसील एक ऐसी चीज है जहां पर जितना आप उसको पानी यानी उसको जितना ही सीलन मिलता जाएगा वो उतना ही ठोस होता चला जाता है और वह एक सीमेंट की तरह वो रूप ले लेता है जिसको बाद में हथौड़े से भी मारने पर वो जल्दी छूटता नहीं है। तो एरल डाइट बोन टाइट एमसील इसमें दो दो जो है इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जिसको मिला के हम उस स्थान पर लगा। फेविक्विक मैक्सोबोन जो है वो सिंगल फॉर्म में रहते हैं यानी कि उसको कहीं भी सीधे निकालिए, ट्यूब में से सीधे लगा लीजिए। तो मैंने बता दिया फेविक्विक जो है हल्के प्लास्टिक को जोड़ने के लिए है और जो एरल डाइट बोन टाइट है ये हार्ड प्लास्टिक हो गया, स्पीकर का मैग्नेट हो गया, यानी कि आप कोई चीजें जो है उसको बिल्कुल एक जगह पे फिक्स करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करती है एरल डाइट और बोन टाइट के लिए। और एमसील को मैंने बता दिया ये जो है आपके मेटल वगैरह बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो आज का वीडियो बस इसी पर आधारित था। लोग सोचते हैं कि यहाँ पर एरल डाइट का यूज कहाँ होता है, बोन टाइट का यूज कहाँ होता है। एरल डाइट बोन टाइट दोनों का यूज एक ही जगह पर होता है और उसमें दो एक और इसका किस्म आता है, जैसे कि फास्ट आता है, थोड़ा सा स्लो में आता है। तो जो स्लो आता है थोड़ा टाइम लेता है सूखने में, और ये जो फास्ट में आता है ये जो है जल्दी जो है ये सूख के फिक्स हो जाता है। तो आप मेरी बात को समझ ही गए होंगे कि इसका किसका यूज कहाँ करना है।